सो अगर आप भी परेशान है अपने डिवाइस को लेके, जैसे कि आपका फोन पे जो है कुछ भी ज्यादा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसे बता रहा है कि स्पेस जो है पूरा भरा हुआ है, सो कैसे आप स्पेस को फ्री कर सकते हैं? अगर आप जो है स्पेस को लेके अपने फोन का बहुत ज्यादा एडिटेड हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है ज्यादातर, लेकिन फिर भी फोन जो है भरा हुआ बता रहा है, सो इस हाल में ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। चाहे वन प्लस का ये मॉडल हो आपके पास, या फिर वन प्लस का कोई भी डिवाइस यूज करें या फिर कोई भी स्मार्टफोन है, सभी पे आपको ये जो फॉलो जरूर कर लेना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका फोन का जो स्पेस है वो काफी हद तक फ्री हो जाएगा और कुछ डिलीट भी आपको नहीं करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए क्या करना है, आपका जो फोन का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे आना है। ध्यान से देखिएगा, प्ले स्टोर पे मैं क्यों आ रहा हूँ वो आपको आगे मालूम चलेगा। ऊपर की ओर आपको देखने को मिल जाएगा, लोगो देख सकते हैं, बस उसी पे आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर दोगे इस तरह से आएगा, मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह से आ जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा मैनेज, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अब क्या होगा कि वो सारा एप्लीकेशन आपको शो ऑफ हो जाएगा जो अभी अभी तत्काल पे आपका फोन पे इंस्टॉल किया हुआ है, सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसी सेटिंग पे आना है, ऊपर की ओर आपको यहाँ पे देखने को मिले, देख सकते हैं इंस्टॉल्ड पे, सो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। अब जैसे ही उसी जो डॉट पे क्लिक करोगे, वहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस तरह से टू ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है एप्स इंस्टॉल, सेकंड आपको देखने को मिल रहा है नॉट इंस्टॉल। सो आपको क्या करना है, नीचे वाला पे नॉट इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपका फोन का जो डाटा है वो आपको इनेबल करके रखना होगा, बस आपको इस तरह से आना है। ओके, यहाँ पे ट्राई अगेन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप जो है डाटा ऑन करके रखोगे डायरेक्ट यहाँ पे वो पेज जो है ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से पेज जो है ओपन हो के आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने सारे एप्लीकेशन आप पहले इंस्टॉल किए थे और अभी आप यूज नहीं किए हैं, पहले आप यूज कर रहे थे अभी आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, ओके, फोन से आप जो है अनइंस्टॉल कर दिए हैं, सो वही एप्लीकेशन आपको जो है इस पेज पे देखने को मिल जाएगा। बात को समझिएगा, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो मैं बहुत पहले इस्तेमाल कर रहा था, फिलहाल अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, फोन पे भी नहीं है, फोन से मैं इसे अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है प्ले स्टोर पे जैसे ही आया, मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया, सो यहाँ पे मुझे वो सारा एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है जो कि मैं पहले इस्तेमाल कर रहा था। अब गाइस ये एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, इस पे आपको इस तरह से आना है, टिक कर देना है, इसे पे आपको इस तरह से टिक लगा देना है, जितने सारे एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है जो आपको रिमूव करना है, ये सब सारा एप्लीकेशन को इस तरह से टिक लगाना है। ऊपर की ओर आपको आएगा डिलीट वाला बटन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिले, देख सकते हैं रिमूव सिलेक्ट एप्स आ रहा है, बस इस पे आपको रिमूव वाला बटन पे क्लिक करके इसे आपको इस तरह से रिमूव कर देना है। सो यहाँ से आपको क्या करना है, पूरा पे आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। क्यों करना है, क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो पुराना वाला एप्लीकेशन है जो बहुत पहले आप इस्तेमाल कर रहे थे, अभी आपको कोई भी जरूरत नहीं है इस सब एप्लीकेशन का। सो ये क्या होता है कि आपके फोन पे जो है स्पेस लेके रहता है, एंड इसके साथ साथ जो है आपके फोन के बैकग्राउंड पे रनिंग होते रहता है, जो कि आपके बैटरी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। यस गाइस, यहाँ पे अगर रहा तो आपका बैटरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, फोन को स्लो भी करेगा और आपका स्पेस जो है भरा हुआ ही रहेगा। सो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, ये सब को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से टिक कर लेना है, ऊपर वाला के डिलीट वाले बटन पे क्लिक करना है, इस तरह से बस रिमूव पे क्लिक करके आपको रिमूव कर लेना है। सो इस तरह से आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे जितने सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है जो आपका काम का नहीं है, वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है और उस एप्लीकेशन को आपको परमानेंटली के लिए रिमूव कर लेना है। सेकंड स्टेप का सेकंड क्या है, यहाँ पे इस तरह से आना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो एप्लीकेशन आप जो है अपने फोन पे इंस्टॉल किए थे, जो जो है बड़ा फाइल का है, यानी आप जो जिसको इंस्टॉल किए थे वो बहुत ज्यादा एमबी लेके आया था, वही एप्लीकेशन आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे वो चीज वो एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना है जो एप्लीकेशन आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ओके, वो एप्लीकेशन आपको सेलेक्ट करना है, एंड दूसरा आपको वो कौन सा एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है जो आपके फोन में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है एमबी से आप जो है इंस्टॉल किए थे, बस आपको क्या करना है उसी एप्लीकेशन को इस तरह से आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखोगे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आपको जो है आई डॉट देखने को मिलेगा, अगर आपका दूसरा फोन है तो थ्री लाइन देखने को मिलेगा, बस उस पर क्लिक करना है, या फिर अबाउट एप्लीकेशन करके देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाओगे, इस तरह से आपको आ जाना है। यहाँ पे नीचे की ओर आपको देखने को मिला, देख सकते हैं स्टोरेज यूज करके आपको देखने को मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, सो ये कितना एमबी का है देख सकते हैं, 974 एमबी का ये एप्लीकेशन अभी जो है मेरा फोन पे इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, यहाँ पे जो है टोटल आपको देखने को मिल रहा है, एप्स हो गया, डाटा हो गया, एंड यहाँ पे कैच हो गया, ये सब पूरा जोड़ के 974 एमबी, यानी जो है लगभग जो है 1 GB के बराबर यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम जो है आपका एमबी जो है स्पेस जो है आपके फोन पे लेके रखा है।
और यहाँ पे मैं आपको प्रूफ एक चीज और भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और फोन का जो प्ले स्टोर है वो ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च पे आऊंगा और यहाँ पे सर्च कर लूंगा इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम सर्च कर लूंगा। अब यहाँ पे एक चीज जो दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं वही इंस्टाग्राम है। कितना एमबी का है यहाँ पे आपको शो ऑफ हो रहा है, देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 61 MB का। ये जो है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ 61 MB का है। एंड वही यही चीज यहाँ पे 61 MB है। एंड वही चीज इंस्टाग्राम पे यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 GB है। 1 GB से थोड़ा सा कम है, लेकिन 1 GB मान के चलो यहाँ पे इतना ज्यादा एमबी है। ये यहाँ पे जो है स्पेस जो है क्यों लेके रखा है, क्योंकि आप जो है बार बार जो अपडेट करते हैं, अपडेट के कारण यहाँ पे जो है एप्लीकेशन जो है क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके फोन पे स्पेस लेके रहता है। सो आपको क्या करना है, नीचे की ओर आपको देखने को देख सकते हैं क्लियर कैश का, क्लियर डाटा पे क्लिक नहीं करना है। क्लियर डाटा पे अगर क्लिक करोगे तो आपको री लॉग इन करना होगा, यानी पासवर्ड आईडी देके दोबारा से आपको अपने जो है अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन करना होगा अपने ऐप्स को। सो यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक नहीं करना होगा। अगर आपका है तो कर सकते हैं, अगर आपको उस झंझट में नहीं फंसना है तो नीचे की ओर आना है, क्लियर कैश पे इस तरह से क्लिक करना है और यहां पे आपको देखने को मिल जाए, देख सकते हैं कितना एमबी यहां पे कम हो गया लाइव प्रूफ के साथ। मैं आपके सामने दिखाया यहां पे ये आ रहा है, ओके, कितना ज्यादा यहां पे एमबी कम हो गया। अगर इसे और भी कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्लियर कैश करना होगा, यानी जो है दोबारा से लॉग इन करना होगा। सो फिलहाल आपको क्लियर कैश पे ही क्लिक करके यहां पे ये काम कर लेना है। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन नहीं, इसी तरह से जो भी एप्लीकेशन है आपके फोन पे, जैसे कि यूट्यूब भी है, YouTube बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे आना है, इस तरह से आना है, स्टोरेज यूज पे आना है, बस नीचे की ओर क्लियर कैश पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना एमबी लेके है, वो यहाँ पे फ्री हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, क्लियर कैश पे क्लिक करके वो एप्लीकेशन आपको क्लियर करना है जो एप्लीकेशन आप ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादा एमबी ज्यादा स्पेस आपके फोन पे लेके रखा है। इसी तरह से आप जो है अपने फोन पे स्पेस को फ्री करा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट समझ लो यहाँ पे क्या करना है, फोन का जो है माई फाइल करके आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो ऑफ हो रहा है, या फिर आपको यहाँ पे सर्च बार पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है माई फाइल। इस तरह आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे जब देखने को मिल जाएगा, बस माय फाइल पे आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आएगा, यहाँ पे पूरा जो है स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा कितना है नहीं है, फोटोज वीडियोज का, ऑडियो का, एप्स का। एप्स पे क्लिक करके जो आपका फालतू का एप्स है जो इंस्टॉल किए थे वो आपको देखने को, जो नॉट इंस्टॉल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके फोन पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, जो आप इंटरनेट यूज किए हैं वो, उसके जरिए से यहाँ पे कुछ एमबी कुछ केबी लेके रखा है। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, डिलीट वाला बटन पे क्लिक करना है, इस यहाँ पे डिलीट वाला बटन पे क्लिक करके आपको रिमूव कर देना है। इस तरह से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे जो है जीबी जो है वो भी फ्री हो जाएगा, बस उस नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक जो है फाइल आपको देखने को मिल रहा है एंड्रॉइड करके, एंड इसके साथ साथ काफी सारे खाली फाइल आपके फोन पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप जो है काफी दिन से इसे छेड़खानी नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट यूज करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एंड्रॉइड वाला फाइल है, इसमें मैं ओपन करूंगा, इस तरह से आ रहा है, देख सकते हैं जीरो आइटम, इस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा खाली फाइल जो है बना हुआ है। नीचे को आ रहा है जीरो आइटम, इसमें भी कुछ नहीं है, मीडिया आ रहा है, इसमें आपको जीरो आइटम करके देखने को मिला। नीचे की ओर वन आइटम, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, देख सकते हैं इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिला, देख सकते हैं खाली फाइल आपको शो ऑफ हो रहा है। जितने सारे यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल जो देखने को मिल रहा है ये पूरा जीरो फाइल है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं टू आइटम देखने को मिला, इस पे क्लिक करूंगा, देख सकते हैं टू फाइल यहाँ पे है, सेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं एमबी लेके है। व्हाट्सएप में आप जो सेंड ऑन किए हैं कुछ वहां पे यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे खाली फाइल ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको क्या करना है, ये फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड जो खाली फाइल रहेगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट वाला बटन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से डिलीट कर देना है। ओके, कुछ फाइल डिलीट हो जाएगा, कुछ फाइल रहेगा, जो फाइल रहेगा इसके अंदर आना है, यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से डिलीट वाला बटन पे आपको क्लिक करके डिलीट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो है एक दो आपको देखने को मिला, देख सकते हैं जीरो आइटम, जीरो आइटम ये डिलीट नहीं होगा। ओके, ये जो है कुछ एमबी लेके नहीं रहा है। बस आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको कंप्लीटली डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने सारे खाली फाइल है वो आपको जो है चूज कर लेना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद नीचे की ओर आओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिले, देख सकते हैं रिसेंटली डिलीटेड, यहाँ से जितने सारे आप रिसेंटली भी डिलीट पे किए वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है कुछ एमबी आप देखने को मिल जाएगा, अगर काफी दिन से यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एमबी जो है लेके रहेगा। वैसे आपको क्या करना है, उसी पे सिलेक्ट करना है, डिलीट ऑल पे इस तरह से क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, ये भी फाइल को आपको क्लियर कर लेना है। इस तरह से अगर आप
डिलीट करते हैं तो क्या होगा कि जितने सारे MB लेके रखा था फालतू एप्लीकेशन फालतू फाइल का, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे फोन पे फ्री हो जाएगा। एंड ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोन पे जो फालतू का एप्लीकेशन है जो आप बहुत पहले इस्तेमाल कर रहे थे, अभी आपका कोई काम का नहीं है, आप यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो सब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और आपको क्या करना है अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल कर लेना है, यानी आपको डिलीट करना है। क्योंकि खाली फालतू का एप्लीकेशन अगर आपके फोन पे रहेगा तो क्या होगा कि फोन का स्पेस भी रहेगा एंड आपका फोन को स्लो भी करेगा। सो आपको क्या करना है, जितने सारे फालतू एप्लीकेशन है उसे आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फोन का जो है प्रेस वाला बटन पे क्लिक करके प्रेस करना है, इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीस्टार्ट आपको कर लेना है। रीस्टार्ट आप जैसे ही करोगे उसके बाद क्या होगा कि आपके फोन पे जो आप यहाँ पे पूरा सेटिंग वोटिंग किए, जो फाइल डिलीट किए, वो पूरा सही से आपके फोन पे एक्टिव हो जाएगा। सो गाइस ये काम आपको जरूर कर लेना है। अगर आपके फोन के स्पेस पूरा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा फोन पे भरा हुआ है, तो ये सब कारण रहता है। एप्लीकेशन अपडेट करते हैं एंड खाली जो है फाइल अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाता है क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और यूट्यूब पे कुछ डाउनलोड करके रखते हैं एंड खाली का यहाँ पे जो बिना मतलब का एप्लीकेशन आपके फोन पे इंस्टॉल किया हुआ रहता है। तो ये सब पूरा चीज को आपको रिमूव करना है। जो प्रोसेस मैंने बताया इसे आपको फॉलो करना है, आप देखोगे आपके फोन के स्पेस जो है कितना यहाँ पे खाली आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे फोटो वीडियोस जो आपका फालतू का है वो सब भी आपको रिमूव करके रखना है, इससे आपका फोन का जो स्पेस वो भी तो फ्री हो जाएगा एंड इसके साथ साथ बैटरी भी पिकअप देने लगेगा एंड फोन का आपका हीट भी नहीं होगा एंड अच्छा परफॉर्मेंस आपका फोन देने लगेगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल रहा है आपके लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, चैनल पे अगर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लो इसी तरह हर एक टिप्स एंड ट्रिक के लिए। एंड वन प्लस पे अपकमिंग टाइम में काफी सारे अपडेट यहाँ पे आने वाला है जो मैं आपको एक एक करके वीडियो दे दूंगा। आपके पास जो है कौन सा मॉडल है कमेंट करके जरूर बता देना।